जो भी आदमी गुस्से पर काम करना चाहता है या किसी भी इमोशन पे काम करना चाहता है बट पर्टिकुलरली गुस्से पर, तो ये बहुत हेल्प करेगा उसको ये वीडियो। जब भी हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो हमारा दिमाग सबसे पहले कहाँ जाता है? वजह के ऊपर, कारण के ऊपर, ये किसने मुझे गुस्सा दिलाया या किसकी वजह से मेरा काम रुका, और हमारा माइंड उसको पॉइंट आउट कर लेता है। ऑब्वियसली फेयरली सिंपल है, मान लीजिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ और सुबह मेरी मेड जो है वो टाइम पर नहीं आई तो मुझे गुस्सा आता है मेड के ऊपर, या तो अगर हम एग्ज़ाम में फेल हो गए और क्वेश्चन पेपर बहुत मुश्किल था तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है टीचर के ऊपर जिसने क्वेश्चन पेपर मुश्किल लगाया है। हम ऑफिस लेट पहुँचे और हमारे बॉस ने हमको डांटा तो हमको गुस्सा आता है बॉस के ऊपर। लेकिन एक दिन मैं एक रिसर्च कर रहा था अपने गुस्से के ऊपर, मुझे याद है एक दिन मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया था और गुस्सा आने के बाद मैं बड़ा कन्फ्यूज्ड हो गया था, बिकॉज मैं तो गुस्से के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, मैं तो गुस्से को ऐसे स्टडी करने की कोशिश करता हूँ जैसे मेरे दिमाग के अंदर में कोई जानवर बैठा है और वो जब निकल के आता है तो कैसे बिहेव करता है, तो मैं उसको स्टडी करता हूँ जैसे सपेरा सांप को स्टडी करता है ऐसे ही। तो जब ये सांप बाहर निकला, मेरा गुस्से का सांप बाहर निकला, तो ऑब्वियसली मुझे दिख गया कि मुझे क्यों गुस्सा आया, मुझे दिख गया। फिर ऑब्वियसली मैंने उसको ब्लेम भी कर दिया कि इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है, और वो कोई ऐसी वजह थी जिसको मैं ठीक भी नहीं कर सकता था, किसी ने मुझे कुछ कहा, कुछ गाली दी और मुझे गुस्सा आ गया। अब मैं देख रहा हूँ जब गुस्सा आ गया उसके बाद मेरा माइंड कैसे बिहेव करता है। उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद मैं श्रीश से बातें कर रहा था और श्रीश ने मेरी एक बात नहीं मानी। वो नहा रहा था तो मैंने उसको बोला कि आज नहाने के बाद तुम्हें टी शर्ट और जो भी पैंट पहनना है पहन लो। बोलता नहीं, मैं तो आज कुर्ता पजामा पहनूंगा। तो मैंने उसको डांट दिया, मैंने कहा नहीं तुम्हें टी शर्ट पहनना पड़ेगा। दुखी सा हो गया बेचारा, रुआसा सा हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि ये इस तरह से मैं कभी बिहेव नहीं करता हूँ उस चीज़ के साथ, मैंने क्यों उसको डांटा? तो इस बच्चे की गलती थी या गुस्से की वजह से मैंने उसको डांटा? एनीवेज अभी भी मेरे रिसर्च चल रहा था। मैं आया, मैंने उसके कुर्ता पजामे को प्रेस कर दिया, उसको मैंने दे दिया, बट वो आकर के मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था सॉर्ट ऑफ। वो मुझे बोलता है सॉरी पापा मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा ठीक है, दोबारा कभी मुझसे ज़बरदस्ती मत करना। बट मैं देख रहा हूँ गुस्सा अभी भी अंदर है। उसके बाद मेरा ऑफिस जाने का टाइम आ गया और जो मेड थी वो लेट आई, मुझे उसके ऊपर भी गुस्सा आया। तो मैं एक नए निष्कर्ष पर पहुंचा। उसके बाद ऑब्वियसली कुछ टाइम के बाद मेरा गुस्सा ख़त्म हो गया। जैसे कि आप जानते ही हैं, अगर आप जनोगा की प्रैक्टिसेस के साथ अवगत हैं तो आपको पता होगा एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसइंफेक्शन चेंबर, कि अगर आप ऑब्जर्वेशन रेगुलरली कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में आप लगे हुए हैं, तो आपके माइंड में एक डिसइंफेक्शन चेंबर बन जाता है जो कि सारी नेगेटिव फीलिंग्स को हटा देता है, फटाफट भगा देता है। तो मैं वापस जब नॉर्मल हुआ तो मैं एक बहुत अम्यूजिंग रिजल्ट पे पहुंचा, और वो ये कि अगर आप सचमुच में गुस्से से फ्री होना चाहते हैं तो आपको उसके कारणों से फ्री होना पड़ेगा, कॉज से फ्री होना पड़ेगा। बिकॉज रियलिटी में हमको जो गुस्सा आता है वो किसी की वजह से नहीं आता है, बस आता है। फिर से रिपीट करूं, एक मान लीजिए ज़मीन है, उसका लेवल बहुत नीचा है, तो चाहे पानी बरसेगा तब भी वहाँ पानी गिरेगा, कहीं से कोई पानी बहाएगा तब भी वहाँ गिरेगा, वहाँ गिरेगा बिकॉज वो ज़मीन नीची है। ठीक ऐसे ही गुस्से के प्रति हमारी अपनी एक वल्नरेबिलिटी है और उसकी वजह से गुस्सा आता है। लेकिन हम उस गुस्से को और प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, नेगेटिव इमोशंस को और प्रोलॉन्ग कर लेते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे या इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से ही मुझे गुस्सा आया है। वो कांटे की तरह हमारे बॉडी में रहता है, जैसे ही आप उसको हटाएंगे आप देखेंगे गुस्सा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैंने एक्चुअली लिखा था, मैंने कॉपी में लिखा था कौन कौन सी चीज़ों की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था। तो ऑब्वियसली मैंने लिखा भाई वो सुबह मेड लेट आई, श्रीश ने कुर्ता पजामा पहनने के लिए जिद किया, या उस आदमी ने मुझे कुछ कहा, या कुछ और भी तीन चार, मैंने ढेर सारे पॉइंट्स लिस्ट आउट किए। फिर मैं देख रहा था इनमें से मैं किस चीज़ को बोल सकता हूँ मेरे गुस्से का कारण है, किसी एक को नहीं बोल सकता था। ये होता क्या है, अगर एक हमारे माइंड को आप एक खाली बर्तन की तरह देखें तो उसमें एक पंक्चर हुआ और उसमें केमिकल्स रिलीज होना शुरू हुआ,
सेल की तरह, और जहां पर तब तक से दूसरा एक पंक्चर हुआ वहां से भी केमिकल रिलीज होना शुरू हुआ, गुस्से का केमिकल सोच लीजिए या दुख का केमिकल, और वो केमिकल यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, और जैसे ही आपने उन कॉजेस को बंद कर दिया, आपने बोल दिया ये सब कारण नहीं है मेरे गुस्से का, मेरा गुस्सा मेरी वजह से आ रहा है बिकॉज मैं 3 स्टेप नहीं कर पाया हूं, मैं इनफैक्ट बच्चों को बहुत बार स्कूल में बोलता था ये गुस्सा हमको किसी की वजह से नहीं आता है, गुस्सा हमको इसलिए आता है बिकॉज हमने 3 स्टेप ब्रीदिंग नहीं किया, 3 स्टेप ब्रीदिंग करके आओ और उसके बाद देखो तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो जो 3 स्टेप ब्रीदिंग है या जो भी प्रैक्टिसेस आप करते हैं अपने गुस्से के लिए, वो पैचअप का काम करता है इन केमिकल को अंदर घुसने से। तो जब आप कारणों को छोड़ देंगे, जेके रोलिंग्स का नाम सुना है आपने, हैरी पॉटर की जो राइटर हैं, वो बोलती थी आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको एक हैबिट अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी सक्सेसफुल होने के लिए, कि अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना, हमको उसकी एक डेडलाइन देनी पड़ेगी, एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद करें, बिकॉज वो कारण की तरह हमारे दिमाग में काम करता रहता है और हमको आगे नहीं बढ़ने देता। तो जैसे ही आपने कारण को हटाया, गुस्सा आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जब तक आप मानते रहेंगे ये वो कारण है, वो कारण को हम खत्म नहीं कर सकते, वो तो है वहां पर, लेकिन जैसे ही आपने ये मान लिया नहीं नहीं उस कारण की वजह से नहीं है मेरा गुस्सा, मेरा गुस्सा तो एज इट इज है, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी वो डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद तो मैंने और शीश ने खूब खेल खेला। थैंक यू। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से समझना चाहते हैं, योग को सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको आप घर बैठे कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन के जरिए कर सकते हैं। इसमें हम आपको वीडियोस के जरिए, बुक्स के जरिए आपके घर बैठे आपको हेल्प करेंगे इस पूरे स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए, योग को समझने के लिए। तो यू आर मोस्ट इन्वाइटेड टू जॉइन दिस। आपकी एक आदमी की बिजनेस है, एक आदमी का काम है, चाहे बहुत बड़ी कंपनी है, आपको एग्जीक्यूशन सीखना है किस तरह से आपकी कंपनी का ग्रोथ होगा, कैसे आपका जो प्लान है लॉन्ग टर्म वो कैसे आप कर पाएंगे, अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो ये एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए। ऑनलाइन कोर्स है, आपको कहीं आना जाना नहीं है, यहाँ नहीं आना है, अपने घर पर ही अपने व्हाट्सएप के जरिए, अपने स्मार्टफोन के जरिए आप इस पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। आपको बस करना ये है, इस व्हाट्सएप पे आपको मुझे मैसेज करना है और इसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है और फटाफट आपका कोर्स चालू हो जाएगा। थैंक यू।